हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थ्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है राइट डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। जो आपको नंबर्स गिवन है उन नंबर्स की आपने डेसिमल और फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, जहाँ पे आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करते हो। ध्यान से देखना बेटा, ए पार्ट हम कर रहे हैं। ए पार्ट में देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 7.8.978। इसको जैसे आप एक्सपेंड करके लिखते हो वैसे आपने एक्सपेंड करके लिखना है। कैसा फ्रैक्शनल, उसमें देखो ध्यान से, इसको मैंने फ्रैक्शनल नाम क्यों दिया अब पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो, ये वंस पे और ये टेंस पे। तो टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, टेन से, तो क्या आ जाएगा 77 × 10। बीच में प्लस का साइन और वंस वाले डिजिट को क्या कर दूँ उसमें प्लस, बीच में किसका साइन प्लस का। ये कौन सी पोजीशन है, टेंथ, डेसिमल के बाद वाली पहली पोजीशन टेंथ। टेंथ का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टेन, फर्स्ट पोजीशन है तो 9/10, सेकंड पोजीशन है तो 7/100, थर्ड पोजीशन है तो 8/1000। क्लियर है, जब आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो वो कैसी होगी बेटा फ्रैक्शनल। कैसी होगी फ्रैक्शनल, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो इसको क्या बोलूँगी फ्रैक्शनल। उसके बाद क्या आता है डेसिमल, इसी को आप डेसिमल में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से देखो, इसको तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका एज इट इज 7 × 10 70, तो 70+8+। यहाँ देखो न्यूमरेटर को रखो एज इट इज, रख लिया न्यूमरेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है वो काउंट करो, ओनली 1 0। तो पीछे से, पीछे वाली साइड से उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। 1 0 है तो 1 डिजिट आपकी रह गई, इसको छोड़ के क्या लग गया डेसिमल। क्लियर, बीच में किसका साइन है प्लस। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर को क्या रखो एज इट इज, दिस इज योर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज है, 2, तो पीछे से 2 0s काउंट करो, दिस इज 1 डिजिट, दिस इज 2nd डिजिट, नहीं है कोई जीरो डिजिट, तो इसलिए मैंने क्या लगा दी 0, और उसके बाद उसके पहले क्या लग जाएगा डेसिमल। क्लियर, अब आ जाओ सेम वे से, 8 आपका एज इट इज, कितनी डिजिट्स, कितनी डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं, 3, तो क्या करना है पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 सेकेंड डिजिट है नहीं तो 0, थर्ड डिजिट नहीं है तो 0, फिर यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल और 0। तो इस वाले एक्सप्रेशन को जिसमें डेसिमल यूज़ हुआ उसको क्या बोलेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन, और जिसमें ऐसे फ्रैक्शन में लिखा है उसको क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा एक बार। सेकेंड पार्ट भी सेम, आपने सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शनल, तो ध्यान से देखो बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 40.097। डेसिमल से पहले जो आप हमेशा क्लास में करते हो वैसे ही एक्सपेंड करोगे, दिस इज़ योर वंस, दिस इज़ योर टेंस। तो टेंस वाली को किससे मल्टीप्लाई, टेन से, प्लस वंस वाली 0 तो 0 प्लस। ये देखो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है तो 1 0, डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन है तो कितनी जीरो बेटा, 2 0, डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन है तो कितनी जीरो, 3 0s। यार आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब ये वाले कैसी एक्सप्रेशन था फ्रैक्शनल, कैसा था बेटा फ्रैक्शनल। अब मेरे को क्या लिखना है डेसिमल, ध्यान से देखना डेसिमल में देखो ये वाले डिजिट एज इट इज़ 4 × 10 40, 0 को आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस, या लिखना चाहते हो लिख लो प्लस 0, प्लस 0, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगी तो आंसर 0, बीच में प्लस का साइन तो प्लस। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी 0 है, 2, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 दूसरी आपके पास है नहीं, क्या लगा दी 0। यहाँ डेसिमल और ये 0, बीच में किसका साइन है प्लस। क्लियर, न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी 0 है, 3, तो पीछे से कितने डिजिट काउंट करोगे, 3, दिस इज योर फर्स्ट डिजिट, सेकंड है नहीं तो 0, थर्ड है नहीं तो 0, और डेसिमल 0, तो क्या बन गया 0.007, दिस इज योर डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर, अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहे, देखो ध्यान से, 14.654, ध्यान से देखना, 14, ये वंस ये टेंस, टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शनल,
टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई, टेन से, वन की मल्टीप्लाई किससे बेटा, टेन से, बीच में किसका साइन, प्लस, तो प्लस, वंस वाली डिजिट एज इट इज, फिर प्लस का साइन, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है तो कितनी जीरो, वन जीरो नीचे डिनोमिनेटर में, सेकेंड डिजिट है तो कितनी जीरो, टू जीरो डिनोमिनेटर में, अगर थर्ड डिजिट है तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो, तीन जीरो, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, डेसिमल पार्ट, डेसिमल में क्या करना है, वन इंटू टेन, टेन प्लस, यहाँ से आपका फोर, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, वन, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, वन, तो पीछे से वन डिजिट काउंट करो, वन डिजिट, यहाँ क्या लग गया, डेसिमल जीरो, प्लस का साइन एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को ऐसे कैसे लिख दो, चाहे कोई भी न्यूमरेटर हो, ठीक है, दो जीरोस हैं तो दो डिजिट काउंट करोगे फर्स्ट, सेकंड है नहीं तो जीरो लगा दे, ये जीरो, ठीक है। आप देखो न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि फोर आपका एज इट इज, कितनी डिजिट्स काउंट करनी है, थ्री, बिकॉज थ्री जीरोस आर देयर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर जीरो जीरो पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, टेन प्लस फोर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट जीरो फाइव और प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर, क्लियर। अब आते हैं डी पार्ट पे, डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 299, डी पार्ट क्या कह रहा है, 299.999, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये टेंथ, टी एच, ये हंड्रेड्थ, ये आपका थाउजेंड्थ, ठीक है। अब ये देखो हंड्रेड्स वाली पोजीशन को क्या करते हो, हंड्रेड से मल्टीप्लाई, तो टू इंटू हंड्रेड प्लस जो आपकी टेंस वाली पोजीशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, टेन से, तो क्या आ जाएगा, नाइन इंटू टेन प्लस, उसके बाद जो वंस वाली डिजिट है वो एज इट इज, तो वंस वाली डिजिट नाइन एज इट इज प्लस, जो डेसिमल के बाद पहली डिजिट है तो कितनी जीरो आ जाएंगी बाई में, वन, टू, दूसरी डिजिट है तो क्या आ जाएगी बाई में, टू जीरो, तीसरी डिजिट तो बाई में कितनी जीरो, थ्री जीरोस, क्लियर। इसके बाद कौन सा लिखना है बेटा, डेसिमल, डेसिमल में क्या लिखोगे, आपका पहले वाला एज इट इज, टू इंटू हंड्रेड, टू हंड्रेड, नाइन इंटू टेन, नाइन्टी प्लस नाइन प्लस। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, वन, तो पीछे से वन डिजिट काउंट करो, दिस इज वन, यहाँ पे डेसिमल और ये जीरो, बीच में किसका साइन है, प्लस, तो प्लस, न्यूमरेटर को क्या रखना है, एज इट इज, कितनी जीरोज है, टू, तो पीछे से काउंट करो, दिस इज वन, दिस इज योर सेकंड डिजिट, नहीं है तो जीरो लगा दी मैंने, पीछे से काउंट करते आना है बेटा, ध्यान रखना बस, यहाँ पे कितनी जीरो है, थ्री, तो देखो दिस इज वन टू थ्री, यहाँ लग गया डेसिमल और ये जीरो, क्लियर। तो ये था बेटा आपका डी पार्ट। अब आते हैं आपके ई पार्ट पे, ई पार्ट आपका क्या कह रहे, ध्यान से देखना, 46.1, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, और ये आपका टेंथ, टी एच, ठीक है, टेंथ, ध्यान से देखना बेटा, इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं फ्रैक्शनल की बात करूं तो फोर इंटू टेन, क्योंकि फोर की पोजीशन क्या है, टेंस पे, बीच में प्लस का साइन, प्लस वंस प्लस, दिस इज योर टेंथ पोजिशन, टेंथ का मतलब क्या है, डेसीमल के बाद फर्स्ट पोजिशन, और डेसीमल के बाद फर्स्ट पोजिशन का मतलब क्या है, जो आपका नंबर है उसके बाई में वन, और उसके पीछे जितनी आपकी डिजिट की पोजिशन है उतनी जीरो। अगर इसको डेसीमल में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से फोर इंटू टेन, फोर्टी, फोर्टी प्लस सिक्स प्लस, यहाँ से न्यूमरेटर आपका एज इट इज, कितनी जीरो है, वन, तो पीछे से कितनी डिजिट काउंट करोगे, ओनली वन, तो यहाँ क्या आ गया, 0.1, क्लियर। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर एफ, एफ पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 65.099, 65.099, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज टेंथ, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले डेसिमल से, पहले वाला डेसिमल से पहले वाले को कैसे करते हैं, इसको क्या नाम देंगे, फ्रैक्शनल। यहाँ से सिक्स इंटू टेन, क्योंकि सिक्स की पोजीशन टेंस पे है, बीच में किसका साइन, प्लस, वंस वाले को क्या करते हो, ऐड, बीच में किसका साइन, प्लस, डेसिमल के बाद जीरो की फर्स्ट पोजीशन है, तो जीरो बाय टेन,
डेसिमल के बाद 9 की 100th पोजीशन है तो डिवाइड बाय 100, और डेसिमल के बाद 9th की कौन सी पोजीशन है 1000, और 1000 में कितनी जीरो होती है 3, तो क्या आ जाएगा 9/1000। क्लियर? तो यहाँ से देखो, ये तो आपका फ्रैक्शनल, अब किस में लिखना है डेसिमल, तो डेसिमल में देखो कैसे लिखोगे, 6 × 10 = 60 प्लस 5, जीरो को तो जीरो, जीरो को तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बीच में प्लस। डेसिमल के लिए न्यूमरेटर एज इट इज, कितनी जीरो 2 zeros, कितनी जीरोस 2 zeros, तो देखो बेटा 1 and 2, 2 digits हो गई। अब देखो अगेन 9 आपका एज इट इज, कितनी जीरो 3, तो देखो बेटा 1, 2, 3, और यहाँ डेसिमल और ये जीरो। क्लियर? तो ये था आपका डेसिमल एफ पार्ट। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर जी पे। पार्ट नंबर जी आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 53.503, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज टेंथ, दिस इज हंड्रेड एंड दिस इज थाउजेंथ। ध्यान से देखना बेटा, 53 ये आपका 5, तो कौन सी पोजीशन है टेंथ, तो क्या करोगे 5 × 10 प्लस वंस वाले डिजिट, बीच में किसका साइन प्लस, 5 की पोजीशन क्या है टेंथ, तो 5 के बाय में 10, 0 की पोजीशन क्या है 100, तो 0 के बाय में 100, थाउजेंड्स टी एच है साथ में, तो क्या 3/1000। क्लियर? अब इसको डेसिमल में चेंज करूंगी तो क्या आएगा, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, ये 50 प्लस 3 प्लस, इसको क्या लिखूंगी 0.5, इसको क्या लिखूंगी 0, इसको क्या लिखूंगी 0.003। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर एच। फोर्टी एट पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन, ये देखो डेसिमल के बाद टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंथ, दिस इज वंस, दिस इज टेंस। ठीक है, तो क्या करोगे टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई, क्या पार्ट है ये फ्रैक्शनल, टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वंस, प्लस डेसिमल के बाद पहली पोजीशन तो 9/10, डेसिमल के बाद सेकेंड पोजीशन तो 9/100, डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन तो 9/1000। क्लियर? तो ध्यान से देखना, डेसिमल पार्ट अगर यहाँ पे लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज 4 × 10 = 40, 40 + 8, इसको डेसिमल में चेंज करूँगी तो कितना आ जाएगा 0.9, ये आपका 0, यहाँ से 9 एज इट इज, कितनी जीरोज 3 zeros, तो दिस इज 1, 2, 3.0। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल। ऑलरेडी मैं आपको डेसिमल में चेंज करना सिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू, ए पार्ट 408/1000, बी पार्ट 67/1000, सी पार्ट 8/100, डी पार्ट 137/100, ई पार्ट 42/10, एफ 7/1000, जी 111/100, एच 1111/1000 एंड I 1111/10 एंड J 1011/00। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो जैसा है। अब देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 3, तो पीछे से डिजिट काउंट करना शुरू करो, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स हो गए कंप्लीट। यहाँ क्या लगा दो डेसिमल और उसके आगे क्या लिख दो 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, डेसिमल को रखो एज इट इज, ना सॉरी न्यूमरेटर को रखो एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है 3, पीछे से डिजिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 3 वाले डिजिट नहीं थी तो 0 लगा दी, यहाँ डेसिमल हो रही है आपका 0। सेम न्यूमरेटर आपका एज इट इज, कितनी जीरो है 2, कितनी जीरोज हैं बेटा 2,
तो यहाँ से देखो कितनी जीरोज हैं, टू, तो पीछे से डिजिट काउंट की, दिस इज वन, यहाँ पे नहीं है सेकंड, और ये डेसिमल और ये जीरो, डिनोमिनेटर को रखा है एज इट इज, यहाँ कितनी जीरो है, टू, तो पीछे से डिजिट काउंट की टू, वन टू, तो यहाँ क्या लग गया डेसिमल, क्लियर। अब देखो 42 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय 10, कितनी जीरो है, वन, तो पीछे से वन डिजिट काउंट करके यहाँ क्या लगा दो डेसिमल, तो क्या आ गया 4.2। अब आ जाओ वेव पार्ट पे, न्यूमरेटर आपका एज इट इज, कितनी जीरोस, थ्री, कितनी जीरोस, थ्री, तो देखो वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री और पॉइंट जीरो, क्लियर। ये देखो 111 एज इट इज, कितनी जीरो है, टू, तो पीछे से कितने डिजिट काउंट करोगे, टू, दिस इज वन टू, तो यहाँ से आ गया 1.11, क्लियर बेटा। अब आ जाओ इस पे, ये कितना बन गया 1111, कितनी जीरोस, थ्री, कितनी जीरोस, थ्री, तो पीछे से डिजिट काउंट करो, वन टू थ्री, तो कितना आ गया 1.111, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये क्या आ गया 1111 और डिवाइडेड बाय 10, 10 का मतलब क्या, कितनी जीरो, वन, तो यहाँ क्या आ गया, वन डिजिट छोड़ के डेसिमल, पीछे से वन डिजिट छोड़नी है, पीछे से काउंट करते आना है, वन टू थ्री फोर ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो 1011 न्यूमरेटर एज इट इज, कितनी जीरो, टू, पीछे से काउंट करो, दिस इज वन, दिस इज टू, तो इनसे पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, तो क्या आ गया 10.11, क्लियर। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, नाउ मूव ओवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, राइट ए डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, करके दिखाया हुआ है, आपने सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करके दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो, डेसिमल नंबर लिखना है 8.0 प्लस 0.9 प्लस 0.09, यहाँ से 8 उठा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या लगा दिया डेसिमल, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी पार्ट में कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करती हूँ, ध्यान से देखना। 5.02 इजी मेथड से करेंगे जितना हो सकता है, 5.02 प्लस 0.008, ये नंबर 5 एज इट इज, इसके बाद क्या लिख सकते हो 0.00, कोई फर्क पड़ेगा, ये हटा दोगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद अगर कॉन्टिनेशन में आपकी जीरोज आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, डेसिमल से पहले क्या है जीरो, तो जीरो यहाँ पे, डेसिमल के बाद क्या है टू, तो टू यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर उठा लो, डेसिमल रखो, डेसिमल से पहले वाली डिजिट यहाँ, डेसिमल के बाद वाली वहाँ, इनको क्या कर दो प्लस, ये बन गया 8, ये बन गया 0, ये बन गया 2, यहाँ आपका डेसिमल, ये बन गया 5, तो आंसर क्या आ गया बेटा यहाँ से 5.208। अगर मैं बात करूँ डेसिमल से, ये वाली आपकी पोजीशन है राइट, ये वाली पोजीशन आपकी लेफ्ट, तो बेटा डेसिमल के बाद राइट को राइट हैंड साइड, लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। अब आ जाओ पार्ट नंबर सी पे, पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है देखो, आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर आप समझोगे तो यस इट इज इजी। तो ये आ जाएगा 7.0.8 प्लस 0.08। मैं आपको वन स्टेंस वाले मेथड पे नहीं लेके जा रही ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो, तो ध्यान से देखना, मैं आपको जितना हो सकता है उतना इजी करा रही हूँ। 7 एज इट इज, डेसिमल 0.00, कोई फर्क, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर लगातार जीरो चल रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो के बाद कुछ डिजिट आ जाए तो वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद डेसिमल 8, यहाँ फर्स्ट डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो फर्स्ट डिजिट की पोजीशन दी, यहाँ से आपका जीरो, ये आपका 0, यहाँ से 0 और ये आपका 8, जो जैसी पोजिशन थी उसको एज इट इज़ रखा, यहाँ से आ गया 8, ये आ गया 8 पॉइंट, यहाँ से 7, तो आंसर क्या आ गया 7.88, क्लियर। नाउ मूव ओवर पार्ट नंबर डी, ध्यान से देखना बेटा,
0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008। यहाँ से 0.8 एज इट इज़, इसके नीचे डेसिमल, के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले क्या ज़ीरो, डेसिमल के बाद क्या है ज़ीरो और एट, लिख दिया एज इट इज़। डेसिमल एज इट इज़, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे, बाकी टर्म आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़ीरो, यहाँ से ये ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, फिर यहाँ पे एट, प्लस करो, ये एट, ये एट, ये एट, ये डेसिमल और ये ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया 0.888। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। मैं आपको वंस टेंस वाले मेथड से नहीं करा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, करा तो मैं उससे भी सकती हूँ लेकिन वहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है। ध्यान से देखो, 40+1+0.2+0.009, उसको मैं, इसको मैं ट्राई करती हूँ आपको उसी मेथड से कराने के। ध्यान से देखो, 4 के बाद 0, तो इसका मतलब ये क्या, 4×10, यानी कि ये कौन सी पोजीशन हो गई, टेंस, ये कौन सी पोजीशन हो गई, टेंस, तो ये आपका टेंस, ये आपका वंस, यहाँ पे डेसिमल, ये आपकी टेंथ, ये आपकी हंड्रेड और ये आपकी थाउजेंथ। ध्यान से देखना बेटा, 10 मल्टीप्लाई में जिसके साथ है वो क्या है, टेंथ पोजीशन, टेंस पोजीशन, टेंथ नहीं टेंस, तो यहाँ से टेंस की पोजीशन क्या है, सिर्फ 4, क्या है 4, तो यहाँ क्या आ गया 4। वंस की जगह पे क्या है 1, तो 1, डेसिमल आपका एज इट इज, टेंथ, टेंथ यानी कि इसके बाय में 10 लिख सकती हूँ, तो टेंस की जगह पे क्या है 2, तो 2। 100 वाली प्लेस ही नहीं है क्योंकि 100 के लिए 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, यहाँ तो डेसिमल के बाद सीधी कितनी जीरोज़ हैं 3, कितनी जीरोज़ हैं 3, तो ये आपका आ गया 0। अब 3 के बाद क्या डिजिट है 9, तो ये क्या आ गया 41.209। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, जिस मेथड से आपको ईजी लग रहा है वैसे कर लो। अब आते हैं एफ पार्ट पे, मेरे को वो ज़्यादा ईजी लगा प्लस करने वाला, तो मैंने इसलिए आपको ईजी वो बताया। ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर एफ क्या कह रहा है, 90+9+0.9+0.09+0.009। क्लियर। ध्यान से देखना, ये एज इट इज, इसके बाद डेसिमल और 0 0 0 कोई फर्क पड़ेगा, उसके बाद 9.000। क्लियर। उसके बाद डेसिमल, 9 आपकी टेंथ पोजीशन, ये आपकी वंस पोजीशन, ठीक है, डेसिमल एज इट इज, ये आपकी वंस पोजीशन, दिस इज टेंथ एंड दिस इज हंड्रेड। क्लियर। वहाँ से दिस इज योर वंस पोजीशन, तो वंस वाली पोजीशन यहाँ डेसिमल, वो वाली बेटा टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंथ, कर दो प्लस, ये आपका 9, यहाँ से आपका 9, यहाँ से आपका 9, ये डेसिमल, यहाँ से आपका 9 और यहाँ से आपका 9, तो क्या आ गया 99.999। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।